प्लीज सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप चैनल। आज की वीडियो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड है कि पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए कोई रेमेडी बताएं, तो मेरी कोशिश है कि मैं आसान से आसान रेमेडी लेकर आऊँ, आसानी रेमेडी लाई हूँ जो सब चीजें आपके घर में मिल जाएंगी। ये रेमेडी 3-in-1 है, यानी इससे चेहरे के दाग धब्बे दूर होंगे, पिगमेंटेशन दूर होगा, जितने भी निशान है वो दूर हो जाएंगे, फाइन लाइंस दूर होगी और स्किन टाइट होगी, फेयर होगी, ग्लो करेगी। गोरी रंगत और क्लियर स्किन सभी चाहते हैं कि सबकी हो, तो इस रेमेडी से आपकी स्किन क्लियर भी होगी, ग्लो भी करेगी और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। इस रेमेडी को रोजाना यूज करना है तो आप देखिएगा कि दिन ब दिन आपकी स्किन से सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, पिगमेंटेशन दूर हो जाएगा, लेकिन इसे लॉन्ग टाइम के लिए करना है। बास लोगों के पिगमेंटेशन लाइट होते हैं तो उनको जल्दी फर्क पड़ता है, बास लोगों के पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा डार्क होते हैं तो देर से असर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पिगमेंटेशन बिल्कुल खत्म हो जाए तो इस रेमेडी को रोज यूज कीजिएगा। पहले अपनी रेमेडी की तरफ देखते हैं, हमें इसमें क्या क्या चाहिए। चाहिए या हमने लिया खाली बाउल या हमने प्याज लिए, लेकिन मेरे पास रेड प्याज नहीं है। अगर आपके पास रेड प्याज है तो बहुत अच्छा है, पिगमेंटेशन को रिमूव करती है, दाग धब्बे दूर करती है, ब्लैक निशान और ब्राउन निशान से रिमूव होते हैं। काट के इसका पेस्ट बना लीजिएगा, यहाँ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसमें से हम लेंगे 2 टेबल स्पून। इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमाटर का जूस, टमाटर का पेस्ट, आधा टमाटर लेके मैंने इसका भी पेस्ट बना लिया, ये भी हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। स्पून में डालूंगी भर के दही और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे कड़वा नीम पाउडर 1/2 टीस्पून और इसमें हम डालेंगे लेवेंडर ऑयल। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिएगा 3 कतरे। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, इसे लगाएंगे हम अपने पूरे फेस पे और गर्दन पे, मैं आपको हाथ दे करके बता रही हूँ। इसको लगाएंगे, लगाने के बाद थोड़ा सा मसाज करेंगे, इसको लगाएंगे, लगाने के बाद मसाज करेंगे, जहाँ पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ इसका मसाज ज़्यादा करें। इसमें हमने प्याज यूज़ किए तो प्याज से आंखों में आंसू आएंगे, तो आंखें बंद करके 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दें, 20 मिनट छोड़ दें, फिर उसके बाद 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें। बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, इससे आपकी पिगमेंटेशन दूर होंगे, स्किन के दाग धब्बे दूर होंगे और क्लियर स्किन होगी, सारी स्किन की प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। इस रेमेडी से आपके सारे पिगमेंटेशन दूर होंगे, स्किन क्लियर होगी, ब्राइट होगी, फेयर होगी। इस रेमेडी को रोज़ाना यूज़ करना है और कम से कम 20 मिनट इसे अपनी स्किन पे रखिएगा। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, इससे प्याज से जलन हो रही है, तो प्याज को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, 1 टेबल स्पून ले लीजिएगा, तो इससे सारी दाग धब्बे दूर जाएंगे, स्किन अच्छी हो जाएगी, फेयर होगी, ब्राइट होगी, क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो प्रॉमिस कीजिए कि मेरी वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल, आप लोग का अपना चैनल है, इस चैनल पे आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी की जाती है, कोई भी रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जरूर पूरी करूंगी। मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा, रानी जी ब्यूटी टिप्स, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखिएगा, व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इसके साथ ही अब मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपने अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।